नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे भगवान शिव की प्रिय राशि, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त राशि, आप ऐसा कह सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए सूर्यदेव का तुला राशि में गोचर करना कहां से आपको देगा फायदा, कहां से मिलेगा लाभ और कहां कहां हो सकता है नुकसान। आग जल रही है तो उसके तपिस तो लगेगी, आग से आप हाथ भी सेक सकते हैं और गलत फहमी में आए तो कपड़े सेक दिए जाएंगे। तो सुख का स्वामी छठवें घर में, सुख में विघ्न, छठवां घर बहुत अच्छा नहीं होता। कहने के लिए होता है कि सूर्य राहु शनि छठवें घर में शत्रुघ्नता योग बनाते हैं लेकिन संघर्ष बहुत देते हैं। जिस पार्ट के लाड उस पार्ट की चीजों को छीन लेते हैं। भाई आप किसी से मारपीट करोगे तो दो चार प्रसाद तो आपको ही मिलेगा ना। शत्रु को दौड़ाओगे तो आपको क्या गद्दे पे दौड़ना होगा, आप भी तो जमीन पे दौड़ोगे। तो यहाँ पे संघर्ष थोड़ा बढ़ सकता है, संघर्ष हो सकता है। क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या रखने सावधानी, क्या करें उपाय, यही चर्चा का बिंदु होगा चंद मिनटों में। तभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कृपया कर लीजिए। सूर्यदेव आपके बर्थ चार्ट पे 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। तुला सूर्य ईगो है, सूर्य मान है, सूर्य सम्मान है, सूर्य तेज है, सूर्य सत्ता है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य पिता है। संसार में बड़ा करना, संसार में बड़ा हो जाना, बड़े की चाहत रखना, ये सभी सूर्य हैं। वास्तव में जो नेता है वो भी सूर्य है, लेकिन नेता वर्तमान में राहु हो गए हैं। नहीं, सूर्य का मतलब होता है न्याय देने वाला, राजा। राजा न्याय करता है, प्रजा से कर लेता है, लेकिन प्रजा के हित के लिए कार्य करता है, प्रजा की सुरक्षा करता है। आपके बर्थ चार्ट में सुख के स्वामी, भूमि भुवन वाहन के स्वामी, माता के स्वामी आपका हृदय, आपका हार्ट जा रहा है छठवें घर में। मतलब सुख छठवें घर में जाएगा, माता जी आपकी छठवें घर में जाएंगी, साथ में घर भी आपका छठवें घर में जाएगा, वाहन छठवें घर में जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है भाई, सावधानी से चलना, भूमि भवन वाहन पे कुछ परेशानी आ सकती है। गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो आपके नज़र गाड़ी पे हो या ना हो, चोरों की नज़र गाड़ी पे है। आपका कीमती आइटम जो है वो चोरों के राडार पे हैं, तो कृपया सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि चोरों की नज़र में है सर, आप चोरों के केंद्रबिंदु बन गए हैं। भूमि भवन वाहन ले रहे हैं इस बीच में या बेच रहे हैं तो पैसा पूरा ठीक ठाक से पहले पेट करिए, लीजिए दीजिए, जो भी कुछ करना है लिखित में लीजिए, नहीं तो आप परेशानी का सबब बन जाएंगे, बाद में पैसे आने में दिक्कत होगी, पैसे प्राप्त करने में दिक्कत होगी। चित्रा तक तो सब कुछ बैलेंस करके चलेगा, जैसे ही स्वाति में जाएंगे पक्का प्रॉब्लम आएगी। आप अपने बर्थ चार्ट को देख लो महाराज जी, अगर आपके बर्थ चार्ट में इसमें खराब महादशा अंतरदशा चल रही हो तो कृपया सावधान हो जाइए, हृदय संबंधी कष्ट आपको मिलेगा, हार्ट अटैक की संभावनाएं बनेंगी। मैं नहीं कहता हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन संभावनाएं तो बनेंगी, तो कृपया सावधानी से आगे का सफर तय करें। आप अपने सेहत का ध्यान रखें, अपनी मम्मा की सेहत का ध्यान रखें। माता का स्वामी भी जा रहा है छठवें घर, छठवां है क्या, हॉस्पिटल। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो अगर आप मेरे रिलेटिव हैं तो मैं आपको भी हॉस्पिटल ले आऊँगा, बुलाऊँगा, आ जाओ भाई बैठ के बातें करते हैं, गप मारते हैं, देखते हैं, मेरी हाल चाल लेने आ जाओ। तो फोर्थ हाउस मम्मा का है, फोर्थ हाउस आपके हार्ट का है। आपके प्रेजेंट टाइम में जो शुक्र महाराज हैं उनकी स्थिति अगर अच्छी है तब आप बच जाओगे। शुक्र महाराज वृश्चिक में है, 7 नवंबर से धनु में जाएंगे, 7 नवंबर से परिस्थितियाँ आपके लिए खराब हो सकती हैं। बिल्कुल क्लियर सा बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सारे वृषभ राशि के लोगों के लिए हो जाएगा, बट आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा खराब चल रही है तब आपको ध्यान रखना होगा। बकाया नहीं चल रही है तो कोई तनाव नहीं होगा, हृदय का ध्यान रखें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, चला करें, पैदल चलना सबसे अच्छा होगा। थोड़ा जमीन, आने वाले टाइम में मंगल भी निष्क्रिय हो रहे हैं, सूर्य निष्क्रिय, मंगल निष्क्रिय, गुरु वक्री शनि वक्री, कुछ तो भूचाल आएगा तो संभाल के रखना। पहला काम क्या करो, ओम द्रम द्रीम द्रम शा शुक्राय नमः, शुक्र के मंत्र का जाप करिए।
सूर्य को ओम घृण सूर्याय नमः कहते हुए सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ दिया करिए, जल दिया करिए। सूर्यदेव के निमित्त देसी घी का दीपक आप पुष्य नक्षत्र में लगाइए, बेहतर फल मिलेगा। अपनी माता जी का स्वास्थ्य ध्यान रखिए, ठंडी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, अचानक उठ के मत भागो, प्रॉपर तरीके से कपड़े उपड़े पहन के रखिए, ठीक है। इसी बीच में धक्का लगता है, इसी बीच में थोड़ा दबाव, जब ठंडी ज़्यादा पड़ने लगेगी धक्का नहीं लगेगा, मौसम जब थोड़ा कन्वर्ट हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो दिक्कत होती है। तो सूर्य को मजबूत करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बेहतर फल देगा। अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें, 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विशेष ध्यान दे के आपको चलना चाहिए। माँ दशा अंतर दशा अनुकूल नहीं चल रही तो उसके लिए उपाय करें। मेरे तरफ से आपको फ्राइडे के दिन फ्राइडे आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। या थोड़ा तकलीफ ज़्यादा लग रही है तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाहकमिव वंदनात् वृत्तोर्मुच्छीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करिए, चीज़ें बेहतर होके निकल जाएंगी। खुश रहना, सुस्त रहना, मुस्कुराते रहना, परमात्मा को याद करते रहना, परमात्मा सब अच्छा करेंगे। ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपके लिए जय जगदम्बा।